नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, सॉरी थोड़ा सा हम चल गए थे काम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी एक स्कूल में 5/8 पार्ट जो है बॉयज है, एंड इफ देयर आर 240 गर्ल्स, और वहां पे 240 गर्ल्स है। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन है, इफ 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद देन द रेशियो ऑफ गर्ल्स इज, बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे तो 1-5/8 इक्वल 3/8। नाउ लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं वो तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को एक्स मान लेंगे। एक्स मानने के बाद क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 3/8 इक्वल 240, यहां से एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगा, सॉरी एक्स की वैल्यू आ जाएगा 640। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज निकालते हैं, 640-240, यानी कि टोटल स्टूडेंट में से लड़कियों की संख्या जो निकाल देंगे तो हमें हो जाएगा लड़कों की संख्या। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ ए बुक 40 पेज आर लेफ्ट, यानी एक किताब को 7/9 पढ़ने के बाद 40 पेज शेष बच जाता है, तो हाउ मेनी पेज आर देयर इन द बुक, तो उस बुक में टोटल कितने पेज होंगे। ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसे आप लोग बनाइएगा, फिर भी यदि समझ में ना आए तो मैं इसको आप लोगों को समझा दूंगा। चलिए दो क्वेश्चन और है, सेम आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3/5 ऑफ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44 फाइंड द अदर, यानी एक ऐसा नंबर है जिसका 3/5 में मल्टीप्लाई करके और फिर उसी नंबर का 2/7 में मल्टीप्लाई करके 44 को इक्वल कर देंगे। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, नंबर हमने x मान लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार 3/5 ऑफ नंबर इक्वल 2/7 एक्सिट इट्स 2/7 एक्सिट नंबर प्लस 44, और फिर यहां से हम कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे, x की जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा, यानी अदर नंबर जो होगा वो क्या होगा, अदर नंबर होगा 140। अब इसी के साथ ये क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 1H, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।